हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज। आज हम गेट 2014 एंड गेट 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2.5 मीटर विड्थ इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 4 क्यूमेक। कंसिडरिंग दैट जी इज इक्वल टू दिस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि जब हमारे पास जो डेप्थ होगी क्रिटिकल होगी या स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी उस समय हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जब क्रिटिकल डेप्थ होगी तो एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर एफ आर की वैल्यू 1 है तो हम पहले क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल का हमें फॉर्मूला पता है, क्यू स्क्वायर जी होल रेज टू पावर 1/3। जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4/2.5 के साथ, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 होल रेज टू पावर 1/3। यहाँ से जो हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.64 मीटर। तो दिस विल बी अवर क्रिटिकल डेप्थ। पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट करने के हम दो तरीके अपना सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। जैसे डिस्चार्ज इज इक्वल टू किसी भी सेक्शन पे क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम क्रिटिकल सेक्शन पे डिस्चार्ज की बात करें या किसी भी सेक्शन पे डिस्चार्ज की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम क्रिटिकल, जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन दी है हमें वेलोसिटी क्रिटिकल की निकालनी है तो एरिया भी क्रिटिकल सेक्शन का लेना पड़ेगा। तो एरिया कैसे लिख सकते हैं हम रेक्टेंगल का, बी क्रॉस वाई सी, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, डिस्चार्ज के बराबर होगा। अगर इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो वी नो वट इज द डिस्चार्ज, दैट इज 4 m³/s। बी की वैल्यू हमें पता है, yc की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड। तो यहाँ से सिंपली अगर हम इक्वेशन में बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 2.50 m/s। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है हमारे पास, सेकंड अप्रोच सिंपल, उसमें हम क्या करेंगे, ये और ऑप्शन कह लो या दूसरा तरीका कह लो, इसमें हम क्या करेंगे एफ आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो एफ आर हमें पता है, एफ आर क्या होगा, वेलोसिटी, एफ आर क्रिटिकल के लिए वेलोसिटी क्रिटिकल लेंगे, जी इंटू जो हमारे पास यहाँ पे होता है हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी होती है हमारे पास, अगर हम बात करें हाइड्रोलिक डेप्थ की तो वो क्या होता है, एरिया अपॉन टी होता है, दैट इज टॉप विड्थ। ध्यान रखना फ्राउड नंबर के केस में जो यहाँ पे टर्म आता है वो वाई का टर्म नहीं आता, वो किसका टर्म आता है, ए बाई टी का, दैट इज वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ की बात करते हैं हम। तो वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ रेक्टेंगल के चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल में कितनी होती है, वाई होगी। तो क्रिटिकल की बात करें तो वाई सी हो जाएगी, इसे 1 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में भी देखो जी की वैल्यू पता है, वाई सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी सी निकाल सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी एट द क्रिटिकल सेक्शन, वो कितनी आएगी, 2.50 m/s आएगी। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आज का, ये भी गेट 2014 में आया था, ये 2 marks क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है। जैसे हमने एक हम्प का केस देखा था, एक इससे पहले हमने क्या देखा था, लास्ट टू लास्ट या लास्ट वीडियो लेक्चर में एक हम्प देखा था, हम्प का इंट्रोडक्शन। तो हम्प के साथ ही एक होता है विड्थ कॉन्ट्रेक्शन, जो हम चैनल में कर सकते हैं वो क्या होगा, विड्थ कॉन्ट्रेक्शन। तो दो केसेस होते हैं हमारे पास, ये दोनों ही केसेस जो होते हैं किसका पार्ट होते हैं, दीज आर चैनल ट्रांजिशन। क्या कहलाते हैं ये हमारे पास, चैनल ट्रांजिशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक में होपफुली सबने पढ़ा होगा, व्हाट इज चैनल ट्रांजिशन, क्या होता है चैनल ट्रांजिशन, कैन बी ऑफ टू टाइप एंड कैन बी ऑफ टू टाइप, हम वन इज हम्प एंड सेकंड वन इज विड्थ कॉन्ट्रेक्शन। क्वेश्चन पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग अ बेड स्लोप ऑफ दिस, विड्थ ऑफ दिस एंड मेनिन्स कोफिशिएंट ऑफ दिस मच, कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 1 m³/s, गिवन दैट नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो रेंजेस फ्रॉम दिस मच टू दिस, दैट इज 0.76 to 0.8, द मिनिमम विड्थ ऑफ द थ्रॉट that is possible at a given section while ensuring that the prevailing normal depth does not exceed along the reach upstream of the contraction is approximately equal to, so we have to calculate the minimum width of the throat. हमें क्या calculate करना है, minimum width of the throat को calculate करना है, assuming negligible losses क्या है, neglect कर दिए गए। तो अगर इसमें हमें थोड़ा पहले समझ लेते हैं क्या होता है, जैसे अगर हम चैनल की बात करें उसका टॉप व्यू अगर हम देख रहे हैं कहीं पे, तो अगर ये सेंट्रल लाइन ऑफ द चैनल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सेंट्रल लाइन ऑफ द चैनल, यहाँ पे मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ, तो विड्थ कॉन्ट्रेक्शन का जो फिनोमिना होगा वो कुछ इस तरह का होगा। हमने क्या किया, अपने चैनल सेक्शन पे विड्थ कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो अगर ये मेरे पास बी वन विड्थ है सेक्शन वन पे, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बी टू विड्थ हो जाएगी। ये इस एक प्रकार से क्या है, टॉप व्यू है इसका। तो अगर टॉप व्यू के साथ ही मैं अगर प्लान बनाने की कोशिश करूंगा, तो देखो प्लान में कोई चीजें चेंज नहीं होंगी, प्लान में मुझे क्या दिखेगा, सब नॉर्मली दिखेगा। अगर मैं प्लान में यहाँ पे देखता हूँ, इसके नीचे मैं यहाँ पे प्लान बनाऊँ, दिस इज द बेड ऑफ द चैनल,
अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कोई भी चीजें चेंज नहीं आ रही, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, विड्थ में आ रहा है। तो विड्थ में चेंज है, हमने विड्थ को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये जो जहाँ पे मिनिमम विड्थ बनना स्टार्ट होगी, यहाँ के बाद विड्थ दोबारा क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इस सेक्शन को उन्होंने क्या कहा, थ्रॉट सेक्शन कह रहे हैं हम। दिस सेक्शन को क्या कहा है, थ्रॉट सेक्शन कहते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बी टू मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट दी बी टू मिनिमम। अब ये बी टू मिनिमम किस आधार पे कैलकुलेट होगा, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे हमने एनर्जी वर्सेस डेप्थ का ग्राफ पहले भी देखा था, पर उस केस में हमने हम्प की बात करी थी। यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं उसी ग्राफ को। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस वाई एक्सेस में डेप्थ प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस में स्पेसिफिक एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं। तो कर्व हमने देखा था, अगर सिंगल कर्व की बात करें तो इस तरह से होता है वो, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज के लिए। यहाँ पे इस केस में देखो, हम जो कर्व प्लॉट करते हैं वो हम क्यू के लिए प्लॉट करते हैं। स्मॉल क्यू हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की। तो ये क्यू वन हो गया। तो विड्थ चेंज होने के साथ देखो, इस सेक्शन पे अगर मैं देखूंगा तो क्यू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्चार्ज डिवाइड बाय बी वन। इस सेक्शन पे अगर मैं देखूंगा तो क्यू टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्चार्ज डिवाइड बाय बी टू, दैट इज विड्थ एट द सेकंड सेक्शन। तो जैसे जैसे हम अपनी विड्थ को कम करते जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ, जैसे जैसे मेरी विड्थ कम होती जाएगी, वैसे वैसे मेरी क्यू टू की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब मेरा कर्व क्या करता रहेगा, आगे को मूव करता रहेगा। इस तरह से मेरा कर्व क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रह रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्यू टू हो गया, और ये मेरे पास क्यू थ्री हो गया। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखता हूँ तो क्यू वन इज लेस देन क्यू टू इज लेस देन क्यू थ्री। तो मतलब क्यू थ्री की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस सेक्शन पे विड्थ कम होगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ही विड्थ को रिड्यूस करता जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, जितना चाहूं मैं उतनी विड्थ को रिड्यूस करूं। इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, मान लो हम एक रैंडम एनर्जी मान लेते हैं, जो रैंडम या फिर कोई वैल्यू मान लेते हैं कि इस सेक्शन पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, ई वन है। मैंने कितनी वैल्यू मान ली, ई वन वैल्यू मान ली है। अब इस ई वन वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ कुछ। मैंने क्या किया, इस इवन वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सो दिस इज अवर इवन वैल्यू, क्या शो कर रहा है, इवन वैल्यू शो कर रहा है। तो इस इवन वैल्यू पे मैं देखता हूँ तो मेरा सेक्शन वन पे कर्व कितना प्लॉट कर रहा है, क्यू वन प्लॉट कर रहा है। तो दिस विल बी वाई वन, दैट इज डेप्थ एट दी फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन पे अगर भी मैं मान के चलता हूँ कि क्यू टू प्लॉट कर रहा है, तो मेरा जो डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं जो भी केस समझा रहा हूँ सब क्रिटिकल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो कितना कौन सा फ्लो हो रहा होगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा। देखो, पर जैसे ही मैंने एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करी, अगर मैं यहीं पर देखता हूँ कि मैंने क्या किया, एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करी, तो एनर्जी कुछ इस तरह से बढ़ाई, ये कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया, क्यू फोर ले लिया। तो क्यू फोर विल बी इन बिटवीन क्यू टू एंड क्यू थ्री हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो एग्जिस्ट कर रही होगी वो कितनी एग्जिस्ट कर रही होगी, वाई सी एग्जिस्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या शो करता है, ये क्रिटिकल का शो करता है। देखो, जैसे ही इसके बाद और डेप्थ को रिड्यूस कर दिया जाए तो इसके लिए कोई भी डेप्थ ऑफ फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इसके लिए फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखा था हमने हम्प के केस में भी, फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा फ्लो क्या कर रहा है, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एक लिमिट है, जिस लिमिट तक मैं अपनी विड्थ को रिड्यूस कर सकता हूँ। वो लिमिट किस आधार पे डिसाइड होती है, वो इस ग्राफ के आधार पे डिसाइड होती है, या थ्योरेटिकल कंसेप्ट अभी देखते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। होपफुली ये सबको समझ में आएगा। इसी के साथ हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, न्यूमेरिकल में भी हम यही चीज यूज करेंगे कि किस तरह से हम मिनिमम विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अब हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे पास, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले सेक्शन पे नॉर्मल डेप्थ निकाल लेते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं एट सेक्शन वन की, सेक्शन वन की या नॉर्मल डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल डेप्थ हम मेनिन्स इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनिन्स इक्वेशन का फॉर्मूला हमें सबको ही पता है, 2/3 इंटू एस रेस टू पावर हाफ की बात करते हैं। देखो, तो इस केस में हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, हमें डिस्चार्ज भी गिवन है, हमें डिस्चार्ज गिवन है, इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ए और आर की वैल्यू में वाई का टर्म हमें गिवन नहीं है, तो हमें वाई का टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें क्या है, एस का वैल्यू भी गिवन है। तो देखो, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूँ, क्यू इज इक्वल टू वन बाय एन इंटू, देखो बी इंटू वाई हो जाएगा, रेक्टेंगुलर चैनल है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बी प्लस टू वाई, जो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस होता है, 2/3 इंटू एस की पावर हाफ। इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल रह गया मेरे पास, वाई का वेरिएबल रह गया। तो मैं क्या करूंगा, अपना वाई को कैलकुलेट कर लूंगा। तो वाई की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.78 मीटर। तो अब एक क्वेश्चन में एक रेंज दी हुई थी कि वैल्यू एट दी अपस्ट्रीम शुड रिमेन बिटवीन 0.76 टू 0.8। तो ये हमारा यहाँ पे ये चीज ट्रू हो गई, ये सही है। अब आगे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आगे की तरफ हम देखेंगे तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले सेक्शन वन पे एनर्जी निकाल लेंगे। देखो, इस
कर्व के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमें पता है कि सेक्शन वन पे हम एनर्जी निकाल लेते हैं, वही एनर्जी कितनी रहेगी सेक्शन टू पे भी रहेगी, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो E1 पे अगर मैं एनर्जी निकालता हूँ तो वो Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। देखो Y1 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.78 हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, V1 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज और एरिया हमें गिवन है। तो यहाँ से जो मेरे पास E1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.789 मीटर निकल के आ रही है, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ E1। तो अब E1 के साथ पे अगर हम कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या रहेगी, एनर्जी बराबर रहेगी। देखो यही सेक्शन 1 के लिए भी एनर्जी है और यही सेक्शन 2 के लिए भी एनर्जी है मेरे पास, वो कितनी है E1 ही एनर्जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो E1 और E2 की एनर्जी वो रहेगी, वो बराबर रहेगी। अगर मुझे इफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ विड्थ टू बी मिनिमम, अगर विड्थ टू बी मिनिमम देखना है तो E2 पे जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E2 C, दैट इज E2 क्रिटिकल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो E2 क्रिटिकल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है E2 क्रिटिकल हमें निकालना हो, या फिर दूसरे तरीके से मैं देखूं E2 क्रिटिकल का फॉर्मूला कितना होगा, E2 क्रिटिकल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ Y2C, जो सेकंड सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो होगी। Y2C को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.5 टाइम्स ऑफ दी क्यू स्क्वायर अपॉन या Q2 स्क्वायर अपॉन G होल रेस टू पावर 1/3। यहां से देखो Q की वैल्यू को मैं दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, Q कितना लिख सकता हूँ मैं, 1.5 इंटू देखो डिस्चार्ज मुझे पता है, B2 देखो मुझे कैलकुलेट करना है, B2 विल बी इक्वल टू B2 मिनिमम, तो B2 मिनिमम होल स्क्वायर डिवाइड बाय G होल रेस टू पावर 1/3। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखता हूँ 1/3 हो गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे E2C की वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि E2C इज इक्वल टू E2 एंड E2 इज इक्वल टू E1। तो इसी पूरी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, E1 विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन B2 मिनिमम होल स्क्वायर डिवाइड बाय G होल रेस टू पावर 1/3। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखता हूँ E1 मुझे पता है, E1 अभी मैंने कैलकुलेट करा था, Q मुझे क्वेश्चन में गिवन है, G हमें पता ही होता है, G क्वेश्चन में भी गिवन है। देखो यहाँ से हम एक ही वेरिएबल रह गया, एक ही अननोन क्वांटिटी रह गई है B2 मिनिमम, तो वी कैन कैलकुलेट दी B2 मिनिमम। तो यहाँ से जो B2 मिनिमम निकल के आ रहा है, दैट इज मिनिमम विड्थ एट द थ्रॉट विल बी इक्वल टू 0.836 मीटर। तो यहाँ से जो हम आंसर लिखेंगे, अगर 2 डेसिमल में हमें आंसर लिखना है तो 0.82 लिख सकते हैं, पर ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड या इसके नियर बाय क्या ऑप्शन दे रखा है। इसके नियर बाय जो हमारे पास ऑप्शन है वो गिवन है क्वेश्चन में, इसके नियर बाय ऑप्शन इज 0.B ऑप्शन जो हमें गिवन है वो इसके नियर बाय ऑप्शन है, 0.84 विल बी अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो हमें समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही देखो हमने क्या है, हम्प का क्वेश्चन भी एक कर लिया और विड्थ कॉन्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन कर लिया। जनरली ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं गेट में हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज का। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया, अपने गेट 2014 के क्वेश्चन कर लिए, अब गेट 2013 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया था। तो इस क्वेश्चन में देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर अ सब क्रिटिकल फ्लो इन एन ओपन चैनल द कंट्रोल सेक्शन फॉर अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल इज, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज कंट्रोल्ड सेक्शन। तो कंट्रोल्ड सेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डिस्चार्ज वर्सेस डेप्थ का स्पेसिफिक रिलेशन होता है या एक डिटरमाइंड रिलेशन होता है कि अगर मैं डेप्थ को इतना चेंज करूंगा या मेरी डेप्थ की वैल्यू इतनी है तो मेरी डिस्चार्ज की वैल्यू भी क्या रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल सेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डेप्थ वर्सेस या डेप्थ और डिस्चार्ज के बीच एक फिक्स रिलेशनशिप होता है। साथ ही साथ कंट्रोल सेक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि जहां पे अगर मैं चेंज लाता हूं, जहां पे चाहे अगर मैं डेप्थ का चेंज लाता हूं या किसी और चीज का चेंज लाता हूं किसी भी पैरामीटर का, तो वो चेंज क्या करेगा, पूरे ही पूरे सेक्शन में या पूरे ही पूरे कैनाल या फिर चैनल में शो करेगा। ठीक है, तो अब 2 तरीके के फ्लो होते हैं हमारे पास, एक फ्लो होता है सब क्रिटिकल फ्लो और एक फ्लो होता है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो 2 तरीके के फ्लो होते हैं हमारे पास, दोनों ही केस में जो हमारा कंट्रोल सेक्शन होता है वो अलग अलग जगह पे लाई करता है। ये ध्यान रखेंगे हम, सब क्रिटिकल फ्लो के केस में जो मेरा कंट्रोल सेक्शन होता है वो डाउनस्ट्रीम साइड लाई करता है और सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम लाई करता है। देखो इसका मतलब क्या है, ये आंसर तो हर जगह है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक चैनल इस तरह से बनाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि वहां पे जो मेरा कंट्रोल सेक्शन है ये इस तरह से टॉप सरफेस है, कंट्रोल सेक्शन सॉरी वहां पे जो कंडीशन प्रिवेल कर रही है वो सब क्रिटिकल की प्रिवेल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे इस सेक्शन को अगर मैं कंट्रोल सेक्शन कह रहा हूँ, CS कह रहा हूँ कंट्रोल सेक्शन, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज लाता हूँ
दैट विल ट्रेवल अपस्ट्रीम साइड ऑल्सो. क्या होगा कि अगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सब क्रिटिकल फ्लो में कंट्रोल सेक्शन कहाँ होता है, तो अगर मैं ये देखूं कि डाउन मतलब सब क्रिटिकल के केस में कंट्रोल सेक्शन हम कहाँ रखते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड में, क्यों, क्योंकि जो वेव होती है वो हमारी अपस्ट्रीम साइड भी ट्रेवल कर सकती है. पर सुपर क्रिटिकल के केस में ऐसा नहीं होता हमारे पास. तो सुपर क्रिटिकल का केस अगर मैं डिस्कस करता हूँ, तो सुपर क्रिटिकल के केस में अगर ये मेरे पास चैनल है और इस तरह से मैं कोई डेप्थ ऑफ फ्लो को डिनोट कर रहा हूँ, तो सुपर क्रिटिकल के केस में अगर मैं डाउनस्ट्रीम साइड चेंज लाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ कहीं चेंज लेके आऊंगा, तो वो अपस्ट्रीम साइड क्या है, ट्रेवल नहीं करेगा. तो मुझे चेंज कहाँ पे लाना होगा, सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम साइड चेंज लाना होगा. तो मेरा कंट्रोल सेक्शन कहाँ पे होगा, हमेशा अपस्ट्रीम साइड होगा, ताकि वेव क्या कर सके, डाउनस्ट्रीम साइड को ट्रेवल कर सके. तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे, सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम साइड होता है कंट्रोल सेक्शन, और सब क्रिटिकल के केस में डाउनस्ट्रीम साइड होता है हमारा कंट्रोल सेक्शन. तो ये सबको समझ में आ गया कि कंट्रोल सेक्शन भी क्या होता है. तो इस केस में जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एट दी डाउनस्ट्रीम. तो दिस विल बी अवर आंसर. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था आज का. तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ये भी गेट 2013 में आया था, ये 2 मार्क्स में आया था हमारे पास. तो गेट 2013 में जो क्वेश्चन आया, देखते हैं. अ नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज इंक्रीज बाय 10%. द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्चार्ज इन द चैनल इज, तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, उसमें क्या किया गया है, डेप्थ को 10% से इंक्रीज कर दिया गया. एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है. देखो, तो जैसे ही वाइड अगर दिमाग में आता है और बी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें पता होना चाहिए कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के आर इज इक्वल टू वाई हो गया. अब देखो, हमें ये बोला गया है कि डिस्चार्ज वाई एक बार में y1 था, और सेकंड केस में उसे 10% बढ़ा दिया गया, दैट इज 1.1 टाइम्स ऑफ y कर दिया गया. ये हमारे पास क्या हो गया, y2 की वैल्यू होगी. तो ये बताना है, इस केस में अगर डिस्चार्ज q था, तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा हमारे पास, दैट इज q2 पे कितना डिस्चार्ज हमारा, एक प्रकार से सेकंड केस में हमारे पास जब डेप्थ हमने बढ़ाई है तो कितनी आएगी. तो देखो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू मेनिंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1/n a इनटू r रेस्ट टू पावर 2/3 इनटू s रेस्ट टू पावर हाफ. वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें तो डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, 1/n a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू वाई हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और s तो सेम रहेगा. देखो, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, n हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, b हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, और s हमारे पास चेंज हो रहा है, केवल और केवल y चेंज हो रहा है. तो अगर इसमें हम देखते हैं कि हमारा q क्या हो जाएगा, q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेस्ट टू पावर 5/3. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, डिस्चार्ज वर्सेस या डिस्चार्ज एंड डेप्थ ऑफ फ्लो का रिलेशन आ गया हमारे पास. तो इसके आगे हम कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें देखना है चेंज इन डिस्चार्ज, चेंज इन डिस्चार्ज कितना होगा, क्या क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्चार्ज दैट इज टू, जो सेकंड पे डेप्थ ऑफ फ्लो है 5/3 होगा, सेकंड पे डेप्थ ऑफ फ्लो है और 1 पे डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो ये चेंज इन डिस्चार्ज होगा. परसेंटेज में अगर चेंज करना है, तो टोटल डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई, या इनिशियल डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनिशियल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कितना हो गया 5/3, और मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो इस केस में हम सिंपली वैल्यू पुट करनी है, y2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.1 टाइम्स ऑफ y होल रेस टू पावर 5/3 माइनस y रेस टू पावर 5/3 y रेस टू पावर 5/3. देखो, y y कॉमन आ जाएगा, 1.1 होल रेस टू पावर 5/3 माइनस 1 रेस टू पावर 5/3, दैट इज 1 ओनली, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. तो जो परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्चार्ज आएगा, वो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास कितना आता है, 17.4% के आसपास आता है. कितना आता है, 17.4% के आसपास आता है. तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास, वो कितना आ रहा है, 17.4 या 17.4 के आसपास जो आंसर है वो कितना है, 17.2. तो ये हमारे पास आंसर हो गया. तो यही हमारा आज का लेक्चर था, हमने गेट 2013 के क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम होपफुली इससे पुराने और क्वेश्चन करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.